सो दोस्तों फाइनली आज इंडिया मार्केट में मोटोरोला का मोटो E32 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया है मोटोरोला की तरफ से। और यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन का सिर्फ एक ही ब्रांड देखने को मिलता है जो कि 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसकी कीमत आपको अराउंड 10,500 रुपये देखने को मिल जाती है। अब एक्चुअल में इस स्मार्टफोन में क्या कुछ स्पेक देखने को मिलेगी, जिस प्राइस पर लॉन्च किया गया है, क्या उस प्राइस पर स्मार्टफोन बाय करने के लायक है या फिर नहीं, पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप इस स्मार्टफोन को लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बड़े देर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने पहले आप सभी भाइयों से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोज रोजाना देखने को मिलती रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्मार्टफोन में बिल्ड एंड डिजाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का स्मार्टफोन में डिजाइन देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक का फ्रेम एंड प्लास्टिक का ही डिजाइन देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश जो डिजाइन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको एक प्रीमियम लुक जो वो प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, आज के समय में सभी कंपनियाँ प्लास्टिक का डिजाइन प्रोवाइड करा रही है अपने स्मार्टफोन में। तो यहाँ पर डिजाइन तो स्मार्टफोन का आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ ही पीछे की तरफ आपको मोटोरोला के ब्रांडिंग एंड डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। कैमरा बिल्कुल घटिया होने वाला है, बिल्कुल बकवास कैमरा यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसमें प्राइमरी कैमरा जो होगा वो 50 मेगापिक्सल का होगा एंड जो सेकंड कैमरा है वो यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ के लिए देखने को मिल जाएगा। अब कैमरे में सबसे बड़ी कमी यह है कि स्मार्टफोन में ना तो आपको एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है और ना ही कोई माइक्रो कैमरा देखने को मिलता है, जबकि 10,000 रुपये के बजट में आपको ईजिली वाइड रेयर कैमरे वाले स्मार्टफोन काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। तो कैमरा में यहाँ पर आपको एक माइनस पॉइंट स्मार्टफोन के देखने को मिलने वाला है। साथ ही बात करें फ्रंट लुक की, तो फ्रंट में आपको स्मार्टफोन कुछ इस तरह का लुक देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस स्मार्टफोन में सिर्फ और सिर्फ HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिस पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर 90Hz का रिफ्रेश रेट मोटोरोला इस स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा टीच करने वाला है, काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करेगा इस स्मार्टफोन की, बट ये कभी नहीं बताएगा कि इस स्मार्टफोन में HD डिस्प्ले दिया गया है, जबकि इस प्राइस सेगमेंट में फुल HD+ डिस्प्ले यहाँ पर मिलना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ी कमी आपको डिस्प्ले में भी देखने को मिल सकती है। हालांकि जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर आपको कोडिंग के गूगल ग्लास 3 की देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी सही है डिस्प्ले को लेकर के, बट यहाँ पर डिस्प्ले थोड़ा और बेटर हो सकता था। तो यहाँ पर डिस्प्ले कम यूज़ किया गया यानी कि HD+ यूज़ किया गया, तो यहाँ पर बैटरी कंजप्शन भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही बात करें स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी बड़ी कमजोरी जो है वो स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek का हीलियो G37 वाला प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफ़ी पुराना प्रोसेसर है और अराउंड 7,000 रुपये और 8,000 रुपये के स्मार्टफोन में ये प्रोसेसर आपको ईजिली देखने को मिल जाता है। तो कॉस्ट कटिंग काफ़ी ज़्यादा की गई है। अब कॉस्ट कटिंग के 2 कारण हैं, क्योंकि यहाँ पर मोटोरोला अपने स्मार्टफोन का ऐड जो वो काफ़ी ज़्यादा करता है, और जो अच्छे स्मार्टफोन है 15,000 से 20,000 रुपये के रेंज के, उनमें काफ़ी अच्छी स्पेक्स देता है, लेकिन कम बजट वाले स्मार्टफोन में इतनी अच्छी स्पेक्स नहीं प्रोवाइड करा था। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाएगा, तो क्लीन एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिला, ऐड वगैरह काफ़ी कम होंगे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मोटोरोला ने प्राइस जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई रखी है। साथ ही दोस्तों बात करें प्राइसिंग की, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बताया था स्मार्टफोन का आपको एक ही ब्रांड देखने को मिलता है 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ, जिसकी कीमत आपको 10,500 रुपये देखने को मिल जाती है। चाहे तो आप फ्लिपकार्ट पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर इसको लाइव कर दिया गया है। साथ ही बात करें अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर जो इतने कोई खास फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते। स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा जो है यहाँ पर आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, तो सेल्फी में भी ऐसा कोई अच्छा सेल्फी कैमरा देखने को नहीं मिलता, बट प्राइस के अकॉर्डिंग हम सेल्फी में ज़्यादा शिकायत नहीं कर सकते। बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 5,000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि अराउंड आपको एक दिन का बैकअप आराम से ईजिली प्रोवाइड करा देगी। और यहाँ पर आपको एक 15W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलने वाला है। वैसे तो 15W का फास्ट नहीं कहेंगे, लेकिन बॉक्स के अंदर ही दिया गया तो काफ़ी सही रहने वाला है। USB टाइप सी पोर्ट भी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है। अब मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि अगर आप इस स्मार्टफोन को लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी बाय मत करना, यहाँ पर आपको जो पैसा वेस्ट हो सकता है। मेरे हिसाब से तो ये स्मार्टफोन अराउंड 8,500 रुपये या फिर 9,000 रुपये में सही रहता। तो आपकी क्या राय है इसके प्राइसिंग को लेकर के कमेंट करके जरूर बताना। आप कोई और स्मार्टफोन के साथ अगर आप इस स्मार्टफोन का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर देना। मेरे हिसाब से कोई और अच्छे स्मार्टफोन आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, आप चाहे तो उन्हें भी चेकआउट कर लेना और चाहे तो उन्हें बाय कर सकते हैं, क्योंकि वो उन सभी स्मार्टफोन की जो स्पेक्स है इससे काफ़ी सही रहने वाली है। दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।